अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हमारा मेडिसिन का सब्जेक्ट। और मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि मेडिसिन में हम इंशाल्लाह मैं मतलब आपको तकरीबन सारे ही टॉपिक्स आराम आराम से कवर कराती जाऊंगी। जैसे आपको मैंने पहले भी बुक्स की गाइडेंस में बताया था कि मेडिसिन में M1 और M2 दो सेक्शन डिवाइडेड होते हैं, मतलब दो पेपर्स होते हैं आपके। कुछ टॉपिक्स आपके फर्स्ट M1 का पार्ट होते हैं, कुछ M2 का पार्ट होते हैं। हम M1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो हमारे एक मेडिसिन के जो पेपर होते हैं उसमें जितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं पहले उनको डील करते हैं, फिर दूसरे पे जाएंगे इंशाल्लाह। और अदरवाइज मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी व्हाट इज गोइंग ऑन। जो पहला टॉपिक मैंने चूज किया दैट इज रेस्पिरेटरी मेडिसिन। आई नो कि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो CVS और GIT में से थोड़ा सा एक एक SEQ ज्यादा आता है। लाइक अगर मैं जनरली बात करूं तो मेडिसिन में से CVS और मेडिसिन में GIT जो है वो रेस्पिरेटरी से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि एक SEQ और कुछ MCQ जिसमें से भी आने हैं, पहली बात तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू वो लोग जिनके SEQ MCQ आते हैं, जिनके जाहिर है खाली MCQ बेस्ड पेपर्स होते हैं उनका डिफरेंट हिसाब है। लेकिन इन एनी केस स्टार्ट मेडिसिन से रेस्पिरेशन से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इस वजह से कि हल्का सा थोड़ा सा लाइट टॉपिक है एज कम्पेयर टू CVS और आपके लिए समझने में, बिकॉज इट इज अ स्टार्ट ऑफ योर फाइनल ईयर एंड मेडिसिन एंड सर्जरी एंड ऑल दैट, जरा सी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह कवर तो होपफुली मैंने सारे ही करने हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, कौन सा टॉपिक पहले हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते सारे हो जाएंगे और CVS की बारी भी आ जाएगी, GIT की भी आ जाएगी और बाकियों की भी आ जाएगी। आज हमने ये रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्टार्ट करना है। सर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि पास्ट पेपर में क्या टॉपिक्स और क्या क्वेश्चन आते हैं और आपने कौन से जो क्वेश्चन है उनमें आपने मतलब कौन से टॉपिक्स में आपने डेविडसन से करने हैं और कौन से हैं जो कि आपके हाली आप कैपलन से या स्टेप अप से अगर करेंगे तो वो काफी होगा। अब जैसे सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट जो है हमारी, वो जो आपने पुरानी फिजियोलॉजी में भी सारी बातें पढ़ी हुई होंगी, ये हमने लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पढ़ी थी। स्टार्ट मेरा इनसे लेने का मकसद ये था कि ये वो वाली आपकी चीजें जो आपकी हर जितने भी आपके आगे हम पढ़ेंगे डिजीजेस उन सब में हम पढ़ते हैं कि भाई इसमें ये डिक्रीज हुआ, इसमें ये कैपेसिटी है, इसमें फलाना है। इनका अगर आइडिया आपको ना हो तो आपको कोई फायदा नहीं होता उन सारी चीजों का पढ़ेगा, याद रखना। अब हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं, लाइक इट इज द ये वो वाली बात है कि हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, कि हम पैथोजेनेसिस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ये वो वाली बात भी नहीं है कि हम पुरानी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको वो सारी पुरानी बातें बिल्कुल भी भूल नहीं जानी होती। अब मैं यहां पर जब आपको शायद एस्थमा पढ़ाऊंगी तो मैं हो सकता है कि एस्थमा में बहुत लंबी डिटेल आपको पैथोजेनेसिस की ना बताऊं, जाहिर है मैं ऊपर ऊपर से लाजमी रिपीट करूंगी, लेकिन वो वाली डिटेल जो हमने पैथोलॉजी में पैथोजेनेसिस की पढ़ी थी सब डिजीजेस की, वो यहां पर हमें जरूरत नहीं। यहां पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी ट्रीटमेंट पे, क्लिनिकली जो हमें रिक्वायर्ड होती है चीजें, ठीक है। इस वजह से क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेनली यहां पर आके मेडिसिन के सब्जेक्ट में, उसमें 80% आपसे उसकी ट्रीटमेंट पूछ रहे होते हैं, ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स पूछ रहे होते हैं, हाउ टू मैनेज द पेशेंट पूछ रहे होते हैं, क्योंकि दिस इज रिक्वायर्ड जब आप जाएंगे क्लिनिकल सेटिंग में। तो अगर आपको मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट ही नहीं आएगी तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको चीज के साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, उसको डायग्नोज करना, उसकी पैथोजेनेसिस का पता होना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं पता होगा तो आपको उस चीज को डायग्नोज ही नहीं करना आएगा। तो पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पुरानी फिजियोलॉजी, वो सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन वाइज अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट मेक्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी। टाइम में थोड़ा सा इस बात की वजह से दे रही हूं बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि आपने किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये मैंने सबसे पहले आपकी अगर कैपलन को फॉलो करेंगे तो भी उन्होंने भी सबसे पहले ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट दिए हुए हैं और आई विल गो विद देम बिकॉज ये आपके जहन में पूरी तरह बैठे हुए होने चाहिए। ऑल्दो इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया करता, इनमें से आपके MCQs आ सकते हैं, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि रिस्ट्रिक्टिव में ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होते हैं, इनमें से आपके ऑफकोर्स वाइवा क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि आपको ये नहीं पता होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट इज एस्थमा, हाउ इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव एंड हाउ एम्फिजिमा इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एंड ऑल दैट। तो स्टार्ट करते हैं, आई गाइड यू ऑल अलॉन्ग। तो बहुत आसान सी बातें सारी समझ में आ जाती है, कोई मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ ये कि आपको पता लाजमी होना चाहिए कि आपको डायग्नोसिस कैसे बनाना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है जी। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं विद द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। हमने पहले भी पढ़े थे फिजियोलॉजी में कि आपके लंग के जितने भी हमारे पास ब्रीदिंग मैकेनिज्म है हमारा, आपको पता है कि सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उसके दौरान पहली चीज तो ये होती है कि कितना हवा अंदर लेके जा सक रहे हैं, कितनी बाहर निकाल रहे हैं, अंदर जो रास्ता है सारा उसमें एयर की फ्लो कैसी चल रही है, उसके बाद जो हवा अंदर जा रही है क्या वो एल्वोलाई के लेवल पे बकायदा एक्सचेंज हो पा भी रही है सही से, मतलब जाहिर है हवा में ऑक्सीजन होती है वो एक्सचेंज होनी होती है, ब्लड में जानी होती है, क्या वो एल्वोलर लेवल पे ब्लड में जा रही है या नहीं जा रही, और क्या हमारे पास
जो हमारे रेस्पिरेटरी एयरवेज है, मतलब जो रास्ते हैं, जो ट्रेकिया ब्रोंकाई वगैरह, क्या वो इरिटेटेड तो नहीं, मतलब ये सारी चीजें एक नॉन इन्वेसिव लेवल पे टेस्ट करना, मतलब हमने कोई इन्वेजन नहीं की, हमने पेशेंट में कोई एंडोस्कोप पास नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, नॉन इन्वेसिव लेवल पे जो हम टेस्ट करते हैं उसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी, आपसे मेरे कहीं से जो एमसीक्यू जहां जहां पर से बन सकते हैं मैं आपको जरूर बताई चीजें होंगी। इन टेस्ट में ना हम तीन चीजों को मतलब मेनली असेस करते हैं, मैंने आपको बताया जिस तरह से कि अभी मैंने बता भी दिया कि आपने स्टैटिकली लंग के वॉल्यूम्स को देखना होता है, आपने एयर फ्लो को देखना होता है, आपने देखना होता है एक्सचेंज कैसी चल रही है। फिर एक ही टेस्ट है जो एस्थमा के लिए बहुत स्पेशल होता है, मेथाकोलिन चैलेंज, जिसको भी हम एंड में करेंगे। तो पहले सबसे वील गो विद द स्टैटिक लंग कंपार्टमेंट। अच्छा जी, स्टैटिक लंग कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि जो लाइक पर्टिकुलरली हम एयर फ्लो को नहीं चेक, एयर फ्लो का मतलब ये होगा कि मैं पर्टिकुलरली ये नहीं चेक कर रही कि एक सेकंड में हवा कितनी अंदर जा रही है, दस सेकंड में कितनी अंदर जा रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ चेक कर रही हूँ कि लंग के अंदर की और जो एयरवेज उनके अंदर की कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स कितने, मतलब बेसिकली आप समझना कि लंग के वॉल्यूम को हम चेक कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको याद होगा फिजियोलॉजी में हमने जरा ज्यादा टर्म्स पढ़ी थी, मैंने यहां से तीन लिखी है, एक ही है रेजिडुअल वॉल्यूम, एक है वाइटल कैपेसिटी, एक है टोटल लंग कैपेसिटी। फिजियोलॉजी में हमने कुछ वॉल्यूम्स और कुछ कैपेसिटीज और भी पढ़ी थी, वैसे तो आपको सबका पता होना चाहिए, दिस इज नेसेसरी, क्योंकि आप अगर पढ़े हो रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपको वो सारी चीजें नहीं पता तो इट्स नॉट गुड, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चंस में नहीं आया करती तो मैं सिर्फ उतनी ही डिस्कस करूंगी जितनी हमारी आगे की चीजें समझने के लिए जरूरी है, ताकि टाइम भी एक्सेस जाया ना हो, वरना फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे मोटा सा आपको बता देती हूँ, मोटी सी बात, जो एक नॉर्मल ब्रीथ आप लेते हैं जब आप क्वाइट पोजिशन में रेस्टिंग पोजिशन में है, उस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर लेके जाते हैं और जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर लेके आते हैं उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अभी आप सुनते रहना, और ये वाली चीजें, ये तीन तो लिखी हुई कैपलन में लेकिन ये नहीं लिखी हुई, जो चीजें मैं आपको डेविडसन से कराऊंगी ना, जो करनी है मैं वो आपको साथ साथ बता दूंगी, ताकि आप वो कैपलन में अपने पास नोट कर लें इफ यू आर फॉलोइंग कैपलन, क्योंकि मैं तो जनरली यही प्रेफर करती हूँ कैपलन है आपकी टेक्स्ट बुक हो और आप साथ ले लें डेविडसन एज योर रेफरेंस बुक, या फिर स्टेप आपको आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लें, मतलब इनमें से वॉट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, तो हमारे पास आगे लंग वॉल्यूम में फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल आप जब ब्रीथ करते हैं उसमें जो आप एयर अंदर लेके जाते हैं और जो एयर बाहर लेके जाते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक हो गया, नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग में अगर अब आपको कहते हैं कि जोर से गहरा सांस लो, गहरा सांस अंदर लेने का मतलब ये होता है कि आप अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग से ज्यादा सांस अंदर लेके जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा आप अंदर लेके आप जा रहे हैं उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक हो गया, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो सांस अंदर और बाहर आ रहा था, इस टाइडल वॉल्यूम में दोनों चीजें शामिल है, इंस्पिरेशन भी और एक्सपिरेशन भी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है जो कि एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के अलावा हम इनहेल कर सकते हैं जब हम जोर से गहरा सांस लेते हैं। इसी तरह जब हमें कोई कहते हैं कि आप गहरा सांस जब अंदर लिए तो बाहर भी जोर से निकालो, तो आपका गहरा सांस नहीं, आपने एक नॉर्मल सांस अंदर लिया और आपने जोर से बाहर निकाला कि जितना आप बाहर निकाल सकते हैं मैक्सिमम एक्सहेलेशन, उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या था कि अंदर आप नॉर्मल सांस लेके गए हुए थे और आपने जितना निकाल सकते थे बाहर निकाला, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी एक्सपिरेशन में जो आप रिजर्व को बाहर निकाल सकते थे। ये चीजें बुक में नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद जब आपने सारा अपना फोर्सफुली बाहर निकाल दिया फिर भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग के अंदर एल्वोलाई के अंदर ट्रैप्ड रहती है। हमने पढ़ा ना कि हर टाइम लंग कोलैप्स्ड पोजीशन में तो नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपेंडेड है और उसके अंदर पानी भी नहीं भरा हुआ, तो जहर एयर ही भरी हुई है ना, वो जो एयर जो हर टाइम रहती है ना उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो आप बाहर नहीं निकाल सकते जितना मर्जी आप फोर्सफुली एक्सपायर कर ले, इट कैन नॉट बी एक्सहेल्ड आउट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हमारे पास अगली चीज आ जाती है, ये तो होगी मोटी मोटी सी ये चीजें। अब अगर हमने ये किया, हमने जोर से गहरा सांस अंदर लिया था, मतलब बहुत बहुत गहरा सांस अंदर लिया था, जिसमें हमने क्या किया कि हमने जो टाइडल वॉल्यूम वाला सांस था वो भी इंस्पायर किया और हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला सांस भी इंस्पायर किया, टोटल इंस्पायर्ड है। अब हम जोर से जब बाहर निकालेंगे, यानी हम अपना पूरा फोर्सफुल एक्सप्रेशन करेंगे आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, जहन में रखना है दो चीजों में डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर क्या है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, क्या आपने जोर से सांस अंदर लिया और फिर पूरा, मतलब अंदर लेना इसमें शामिल है, इसमें बाहर निकालना बेसिकली शामिल है, कि जोर से पूरा सांस आपने बाहर निकाला विद योर मैक्सिमम फोर्स, तो जो टोटल एक्सहेल्ड एयर आपने बाहर निकाली है दैट इज कॉल्ड एज योर वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, अब ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही होता है कि आपने सांस नॉर्मल इनहेल किया हुआ था और आपने जोर से बाहर निकाल दिया, जितना आप निकाल रहे थे वो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसमें आपका
नॉर्मल एक्सपिरेशन वाला वॉल्यूम शामिल नहीं है, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व नाम से पता चल रहा है कि जो एक्स्ट्रा रिजर्व अंदर पड़ा हुआ था वो आपने बाहर निकालने की कोशिश की है, जितना आप निकाल सकते थे। तो जो नॉर्मल हम एक्सपायर करते हैं, जो नॉर्मल वो इसमें शामिल नहीं होता। होपफुली बात में समझ आ रही होगी कि अगर मैं नॉर्मल अमाउंट में, सपोज ये मेरे पास एक पूरा स्केल है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक मेरी एबिलिटी है कि मैं एक्सपायर कर सकती हूँ, और ये वाला रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। तो नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है मेरी, उसमें मैं यहां से लेकर यहां तक एक्सपायर करती हूँ, दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये वाला वो है जो कि जब मैं फोर्सफुली एक्सपायर करती हूँ तो निकलेगा, सो दिस इज माय एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब मैंने जोर से सांस लिया था तो जाहिर है मैंने इनहेल यहां तक किया, और अब जब मैं जोर से सांस निकालूंगी तो मैं यहां से लेकर यहां तक सारा सांस बाहर निकालूंगी, जिसमें मेरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा और नॉर्मल ब्रीदिंग भी आएगी। तो ये दोनों मिला के बनाती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। यू मस्ट रिमेम्बर दिस कि वाइटल कैपेसिटी में ये दोनों चीजें होती है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सिर्फ ये वाला होता है। टोटल लंग कैपेसिटी ये होती है कि जब आप फोर्सफुली इनहेल कर लेते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो लंग के अंदर होगी, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। यानी कि मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग की यहां तक, ठीक है, इनहेल किया, जाहिर है मैं इनहेल करी, नॉर्मल ब्रीदिंग की मैंने यहां तक इनहेल किया, फिर मैंने जोर से इनहेल किया तो मैंने ये वाला पोर्शन भी इनहेल कर लिया, और ये वाला पोर्शन जो, ये तो हर टाइम मेरे लंग में पड़ा हुआ है। तो टोटल लंग कैपेसिटी इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस नॉर्मल ब्रीथिंग प्लस द अमाउंट जो हम फोर्सफुल इनहेलेशन पे लेके आ सकते हैं प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सारे मिला के बनती है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक होगी यहां तक बात हमारे पास होपफुली। कि यहां पर रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ये आ गई हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी जो सब कुछ हम लेके जा सकते हैं, और ये होगी हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। अब मैं दूसरे लफ्जों में ये बात कह सकती हूँ, अगर मैंने कहा कि टोटल लंग कैपेसिटी यहां से यहां तक सारा कुछ है, तो टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू इधर से लेकर इधर तक क्या थी ये वाली चीज, वाइटल कैपेसिटी थी। मैंने कहा था फोर्सफुली हम एक्सपायर करेंगे, वाइटल कैपेसिटी प्लस ये वाली चीज विच इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर मैं ये कहूं तो ये गलत तो नहीं होगा, होपफुली टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वाले तीन जो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज हैं ये ज्यादा इस्तेमाल होंगे, इनको अच्छे से जहन में रखना है आपने, मैंने आपको बता दिए। बस एक ये जो हर टाइम लंग के अंदर पड़ा हुआ जो कुछ भी नहीं निकल सकता, वाइटल कैपेसिटी है, जब फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे तो सब निकल जाएगा, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी टोटल अमाउंट ऑफ लंग इन द एयर जो कि किसी भी वक्त फोर्सफुल इनहेलेशन पे प्रेजेंट हो सकती है इंक्लूडिंग रेजिडुअल वॉल्यूम। बाकी अगले पार्ट में कहते हैं, अभी तक कोई मुस्तवे के ना सुनी, थैंक यू।